क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और हम लोग जो है करने वाले हैं अब सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड ठीक है सो या फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं जल्दी से आ जाइए कमेंट सेक्शन में एंड लेट मी नो लोग क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे ये शॉर्ट टॉपिक है बहुत ही जल्दी से हम इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे फिर इसमें एक ही रहेगा वर्ड सम्स ठीक है सिंप्लीफाई हम लोग कर ले आज और उसके बाद इस चैप्टर चैप्टर का का वर्ड रह जाएगा ये भी आप लोगों का आसान तरीके से हम लोग कंप्लीट कर देंगे अब देखिए सिंप्लीफाई वैसे आप लोगों ने अगेन ये चैप्टर ये जो टॉपिक है पहले सीखा हुआ था लेकिन वहां पे सिम्पलीफाई जो ऐसे आते थे वो सम्स बहुत इजी आते थे नहीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिगार्डिंग आते थे लेकिन अब जो है आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई में लाइक like ऑफ है जैसे डिवाइड है मल्टीप्लाई एडिशन तो ये सब साथ में यानी खिचड़ी बनने वाली है ठीक है लेकिन हम खिचड़ी बनने देने वाले नहीं है अच्छे से हम एक रूल इसके लिए एक रूल होता है वो रूल हमें याद रखना है इस रूल को अगर हम समझते हैं तो बोर्ड मास जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास ठीक है बोर्ड यान, यानी बी यानी ब्रैकेट अब ये बोर्ड मास हम कैसे यूज करेंगे तो आप जैसे देख सकते हो इसको जिस तरीके से तो यहां पे हम लोग ब्रैकेट पहले यूज करते हैं ब्रैकेट जहां भी आपको दिखाई दे से ये जो सम दिया हुआ है 3 4 3 6 2 4 जिसे हम यूज करते हैं जो मेथड हम यूज करते हैं वो होता है बोर्ड मास अब ये बोर्ड यानी जैसे आप देख सकते हो ब्रैकेट है ऑफ यानी ये ओ जो आप देख रहे हो अभी आपको क्लास फिफ्थ में ऑफ आता है लेकिन फिर आगे जाके ऑर्डर इसे बट एनीस यहां पे हम लोग ऑफ ये डी आप देखते हो डिवीजन एम यानी मल्टीप्लीकेशन एडिशन एस यानी सब बहुत ही इजी तरीके से यानी ये जो सम है ना इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो ब्रैकेट है ना उसको सॉल्व करो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो वो हो गया फिर आपको जहां ऑफ दिख रहा है उसे सॉल्व करो और मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन यानी थ्री ऑफ ये फोर दिख रहा है ना तो थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर फिर जहां डिवीजन दिख रहा है वहां डिवीजन कर लीजिए फिर जहां मल्टीप्लीकेशन वहां मल्टीप्लाई कर लीजिए जहां फिर फाइनल एडिशन तो एडिशन एंड फाइनल तो हम इसे अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं देखिए जैसे कि यही वाला सम है सॉरी गया ये ही वाला सम है मैं इसको फिर से पे ऊपर लिख रहा हूं थ्री ऑफ ठीक है थ्री मैं काम करता हूँ व्हाइट से लिख लेता हूँ क्या था कि आपको एक अच्छे से दिखाई देगा थ्री ऑफ क्या था यहाँ पे फोर डिवाइडेड बाई थ्री सॉरी फोर डिवाइडेड बाई थ्री उसके बाद क्या था मल्टीप्लाई सिक्स प्लस टू लेकिन ब्रैकेट में माइनस फोर प्लस थ्री ऐसे दिया हुआ है ना माइनस फोर प्लस थ्री तो आप क्लियरली देखो सबसे पहले ब्रैकेट बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट तो ब्रैकेट को सॉल्व करो सिक्स प्लस टू कितना होता है सिक्स प्लस टू होगा आपका एट होगा तो यहां पे हम सबसे पहले थ्री ऑफ फोर डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस टू क्या होता है एट हमने सॉल्व कर दिया माइनस फोर प्लस थ्री चलो पहला तो हो गया ब्रैकेट कंप्लीट हो गया यहां पे अब हम लोग ऑफ ऑफ यानी ये रहा देखो ऑफ यानी ये रहा थ्री ऑफ थ्री ऑफ यानी मैंने अभी आपको बताया ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन तो थ्री ऑफ फोर का मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर तो ये होगा ट्वेल्व थ्री मल्टीप्लाई थ्री ऑफ ये ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय एट बाकी तो एज इट इज प्लस थ्री अब हमने ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दिया ऑफ वाला था उसे भी सॉल्व कर दिया अब डिवीजन डिवीजन यानी पे डिविजन पे आपको डिवीजन दिख रहा है ये रहा तो यानी कि ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री आप पीछे करके देखो इसमें इतने बड़े बड़े डिवीजन नहीं आएंगे छोटे डिवीजन ही होते हैं तो ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री हमें पता है फोर आंसर आता है तो यहां पे हम क्या कर देंगे फोर मल्टीप्लाई बाय एट माइनस फोर प्लस थ्री अब क्या था डिवीजन हो गया तो अब क्या होगा मल्टीप्लाई याद करिए तो यहाँ तो फोर मल्टीप्लाई बाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय एट तो फोर एट जा थर्टी टू तो यहाँ पे थर्टी टू माइनस फोर प्लस थ्री अब आप बोलोगे सर एडिशन तो ये दोनों ये दोनों एडिशन मत करना ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये माइनस फोर को हम रीअरेंज कर लो कहीं पर रीअरेंज करना लगता है रीअरेंज कर लो ये माइनस फोर है बच्चा तो इसको -4 को कहा ऐड करेंगे माइनस फोर प्लस थ्री थोड़ी ऐसे करेंगे. ये प्लस थ्री और ये थर्टी टू इसको हम ऐड कर देखते थ्री को आप एडिशन कर सकते हैं थर्टी टू प्लस थ्री कितना होता है थर्टी फाइव थर्टी फाइव तो यहाँ पे थर्टी फाइव माइनस फोर थर्टी फाइव माइनस फोर आंसर आ गया थर्टी वन देखो हो गया सॉल्व सिंपल तो मैंने आप लोगों को कहा बहुत ही सिंपल मेथड है आराम से हम सॉल्व करेंगे देखो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व किया फिर ऐसे अंडरलाइन भी करना तो ता, ताकि आपको एक इजी वे भी समझ आपका जो है सम जो, जो है वो इजी हो जाएगा फिर ऑफ है फिर डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया फिर हमने यहाँ कहीं कहीं सम में रीअरेंज कर ऐसे जहां पे नेसेसरी है वहां पे रीअरेंज करिए जहां पे नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं बट तो यहाँ पे जरूरी था तो हमने पहले रीअरेंज कर लिया प्लस को तो हमने प्लस ले लिया फिर उसके बाद माइनस जो था इसको फाइनली इसको भी आप ऐसे अंडरलाइन कर लो तो हो गया सब तो यहां पे हमने इस सम को आसानी से सोल्व किया विद द हेल्प ऑफ ऑफ ब्रैकेट एडिशन एंड सब चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा यही सम था ना यही सम था मैंने रिपीट कर दिया लग रहा है हाँ यही सम था इसको तो हमने सोल्व कर दिया चलो सेकंड वाला फाइव ऑफ टू डिवाइडेड बाय फाइव प्लस ये रहा देखो इसमें भी यही है, है ना सिक्स प्लस टू यहाँ पे यहाँ पे पहले इसको हम सोल्व करते हैं सिक्स प्लस टू ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा जाएगा तो यहां पे सॉरी ब्रैकेट वाला अब हम ये ऑफ वाला फाइव ऑफ ट्वेल्व फाइव मल्टीप्लाई बाई टाइजा आपको पता है तो यहां पे हम क्या सोल्व करेंगे सिक्स जीरो सिक्सटी डिवाइडेड by फाइव प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई एट माइनस थ्री चलो अब डिवीजन याद करिए यहाँ यहां पे, 60 डिवाइडेड बाय फाइव तो क्या होगा 12 सिक्सटी डिवाइडेड बाय फाइव तो आंसर आप पीछे भी डिवाइड करके देख लीजिए 12 आएगा आंसर तो यहां पे 12 प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय एट माइनस अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई ये रहा थ्री मल्टीप्लाई थ्री फोर माइनस है, है क्यों? क्योंकि पहले जो दो है उसको कर दो, simple है, तो ट्वेल्व प्लस फोर ट्वेल्व प्लस फोर थर्टी सिक्स तो यहाँ पे थर्टी सिक्स माइनस थ्री देखो आ गया लास्ट में सब करना थर्टी सिक्स माइनस थ्री तो सबको आएगा थर्टी थ्री तो देखो हो गया आसान तो हमने बहुत ही इजी तरीके से विद हेल्प ऑफ बोर्ड मास रूल सॉल्व कर दिया पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया फिर ऑफ वाले को फिर डिवीजन देन मल्टीप्लाई देन एडिशन एंड फाइनली यहां पे तो कोई रीअरेंज करने की जरूरत नहीं थी तो यहाँ पे एडिशन के बाद डायरेक्ट सब कर दिया हम लोगों ने सो so, आई थिंक ये हो गया आप लोगों का क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आपको भी बताना है ठीक है यहाँ पे देखो जहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि बोर्ड मास हमने यूज करना है तो देखो अगर फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं एक बार और अच्छे से इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक ही सम में प्रेजेंट हो अब ये वाले सम में तो सारे प्रेजेंट है तो सोल्व किया कई बार ऐसा भी होगा कि ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑफ है तो ऑफ से स्टार्ट करो ऑफ भी नहीं है तो डिवीजन से स्टार्ट करो डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन से लेकिन ये जो ऑर्डर है ना उसको कभी भूलना मत ऑर्डर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा तो ये वाला भी हमने सॉल्व कर दिया चलो यहां यहाँ तो ब्रैकेट है पहले नहीं है। यहां पर तो यहां पर आपको पता है होता है तो यहां पे सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स क्या होता है वन Minus 4, minus 4. अब देखो, 6 6 यहां पे, 6 6, हुआ ना? तो यहां पे 6 6, 6 प्लस 6, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई ठीक है अब मल्टीप्लाई भी हो गया अब एडिशन अब देखो तो बहुत ही सिंपल वाला था ये हो गया एडिशन सिक्स प्लस सिक्स कितने होते हैं ट्वेल्व हुए सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व तो यहां पे ट्वेल्व माइनस फोर अब एडिशन भी हो गया अब सब तो सब में ट्वेल्व माइनस फोर आंसर आ गया एट आंसर आ गया एट मैंने क्या कहा था बहुत ही सिंपल है यहाँ पे तो क्या था ब्रैकेट भी नहीं था ना तो यहाँ पे हम कह सकते ऑफ था डायरेक्ट डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन एंड फाइनली सब तो ये भी हो गया हम लोगों का कमरे अरे वाह चलो ये भी बड़ा समय लेकिन अब फिर से यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला देखो अंदर ब्रैकेट वाला तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं एट ऑफ टू डिवाइडेड बाय फोर मल्टी सॉरी डिवाइडेड बाय फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस टू एट होता है एट माइनस एट ऐसे सिक्स प्लस टू अब देखिए ऑफ वाला तो ऑफ वाला यानी ये रहा पहला ही है एट ऑफ टू एट मल्टीप्लाई कितना होता है एट टू जिक्सटीन तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सिक्सटीन Divided by फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई एट माइनस एट अब आपने ऑफ भी अब डिवीजन अब डिवीजन डिवाइडेड बाय फोर फोर होता है है ना आप आंसर बताइए जितना जल्दी हो सकता है तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई एट माइनस एट अब यहां पे डिवीजन हो गया अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो ये रहा मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई बाई एट एट फोर थर्टी टू तो यहाँ पे थर्टी टू माइनस एट अब देखो फिर से फोर प्लस थर्टी टू एडिशन पहले ही यहाँ पे कोई रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है थर्टी टू प्लस फोर थर्टी सिक्स तो यहां पे थ्री सिक्स थर्टी सिक्स माइनस अब डायरेक्ट थर्टी सिक्स माइनस एट माइनस एट था ना लास्ट में तो ये तो डायरेक्ट आ गया थर्टी सिक्स माइनस एट तो यहाँ पे ट्वेंटी एट इज द करेक्ट आंसर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा टू ए ट्वेंटी है एंड होना भी नहीं चाहिए ठीक है सो मेक इट श्योर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा समझ लीजिएगा और जो है और ऐसे हम लोग अभी एक आध दो सॉल्व कर ही रहे हैं ठीक है देखिए देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आ जाते हैं अब देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट कोई भी नहीं है तो ब्रैकेट तो है ही नहीं तो उस पर जाएंगे अब ऑफ वाला ऑफ वाला है हाँ है ना ये रहा ना तो यहाँ पे फाइव ऑफ सेवन फाइव सेवन जा कितने होते हैं या सेवन फाइव थर्टी फाइव तो यहाँ पे थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन प्लस माइनस सेवन अब आपको है थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई सेवन यानी ये हो गया मीन ऑफ हो गया ऑफ के बाद डिविजन तो थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई सेवन कितना होता है फाइव कितना होता है फाइव अब फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन प्लस सेवन माइनस सेवन ऐसे फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन प्लस सेवन माइनस सेवन अब ऑफ हो गया डिविजन हो गया अब मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन फाइव जा कितने होते हैं थर्टी फाइव प्लस सेवन माइनस सेवन ऐसे ही होगा ठीक है अब देखो यहां पे थर्टी फाइव प्लस एडिशन हुआ ना तो थर्टी फाइव प्लस क्योंकि यहां पे भी रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है दोनों के दोनों एडिशन साथ में ही है 35 plus 7, तो थर्टी फाइव प्लस सेवन तो यहां से तो जाएगा थर्टी फाइव यहां पे मैं सामने ही लिख रहा हूं थर्टी फाइव हो गया सिंपली सो so आई होप इसमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी हो किसी को डाउट नहीं है बच्चा लोग चलो बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं आ जाते है यहां पे क्स्ट में भी देखो यहाँ पे कोई ऑफ वाला तो है ही नहीं तो यहाँ सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट वाला तो कोई है ही नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ऑफ वाले पे देखते हैं ऑफ़ वाला है अरे वाह ऑफ वाला भाई साहब ये रहा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6, 6, 6, 6. अब ध्यान लगाना टू डिडेड बाई वाला हो गया अब डिवीजन ये आ गया डिवीजन 72 डिवाइडेड बाय 6 तो ये कितना होता है 12 तो यहां पे 12 पीछे आप डिवाइड भी कर सकते हो ना तो यहां पे देखो नहीं आता तो फॉर एग्जांपल 72 डिवाइडेड 6, 6 बाय तो 0 0 तो हो गया ना 12 यहां पे तो आंसर देखो यहां पे 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 माइनस 6 अब आपको पता है डिवीजन हो गया अब मल्टीप्लाई ट्वेल्व सेवेंटी टू सेवेंटी टू प्लस सिक्स 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 सेवेंटी एट माइनस सिक्स कितना होता है अगेन 72 टू इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आंसर आ गया आपका सेवन टू सेवेंटी टू हो गया ना बहुत ही सिंपल तो मैंने कहा था बहुत ही सिंपल ही है बोर्ड मार्क्स जो है उसके बाद अगेन आ जाते हैं यहाँ पे ये वाला सेम ही है क्या अच्छा सेम ही है सॉरी सॉरी सेम ही है तो यहाँ पे ये वाला भी हो गया कंप्लीट और इसी तरीके से ये बोर्डमास जो है हम लोगों ने कर दिया मैंने कहा था बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है तो आज हम लोग एक ही टॉपिक क्योंकि अब इसमें क्या था वर्ड सम्स बाकी रहते हैं अब मैं वर्ड सम्स यहाँ पे साथ में ले लूंगा तो बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा तो हम लोग जो है आज का टॉपिक रखते हैं यहाँ पे कंप्लीट दी एंड एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है जब भी आपको ब्रैकेट्स दिए हो जब भी आपको ऑफ दिए हो एडिशन मल्टीप्लाई तो पहले ब्रैकेट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं फिर ऑफ नहीं दिया तो कोई बात नहीं डिवीजन नहीं दिया तो कोई बात नहीं मल्टीप्लाई देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन तो इस रूल का नाम था बोर्ड मास ठीक है सो so, यहाँ पे हम लोग आज का सेशन करते हैं दी एंड होपफुली समझ में आया होगा एंड मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए बाय सी यू टेक केयर हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली मेड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड कीप लविंग कीप रीडिंग टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम जय हिंद